गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम शरदपुर। आप सभी का आज के वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकेंड पार्ट और उसी सेकेंड पार्ट का हम फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। देखो, ड्यू टू लॉकडाउन, ये लॉकडाउन की वजह से देर इज नो फिक्स और डेफिनेट टाइम टू स्टार्ट द क्लासेस एंड स्कूल्स और क्लासेस कब स्टार्ट हो गए उसके बारे में तो हम परफेक्टली और डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकते। सो थ्रू दिस वर्चुअल क्लासेस, इसी वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से हम जो भी कुछ अपना 10th का सिलेबस है वो कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी जो हमारा कंटिन्यू जो हम वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं उसी वर्चुअल क्लासेस में आज हम साइंस पार्ट का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, वी हैव कंप्लीटेड फोर चैप्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट के हमने फोर चैप्टर कंप्लीट किए एंड 3 चैप्टर्स कंप्लीटेड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकेंड, और सेकेंड पार्ट के हमने पहले 3 चैप्टर्स कंटिन्यू किए। मीन्स टोटल वी हैव फिनिश्ड 7 चैप्टर्स। मीन्स साइंस के 10th के जो साइंस है उसी साइंस के जो टोटल 20 चैप्टर्स है उसी 20 चैप्टर्स में से हमने 7 जो चैप्टर्स है जो 7 चैप्टर्स है वो कंप्लीट किए, और आज हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो साइंस पार्ट 2 से बिलोंग है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड साइंस पार्ट 2 को बिलोंग करता है वो, एंड नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देखो, योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड कंटेन्स द चैप्टर्स रिलेटेड टू बॉटनी, सम चैप्टर्स रिलेटेड टू जूलॉजी, and some chapters related to environment and social science. society से भी relate, एक disaster management और social जो studies है उसके बारे में उससे भी एक relate एक दो chapter है, और environment से भी relate है एक chapter आपके second part में include किया है। तो उसी second part का जो environment से relate है वो chapter आज हम study करेंगे। एंड वट इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर, और अपने चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देखो, नेम ऑफ अवर चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इनिशियली बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी हैव गिवन सम टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रीवियस स्टैंडर्ड से रिलेट कुछ क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए। फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम। देखो, इकोसिस्टम क्या होता है, द इंटरेक्शन और द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स द एनवायरमेंट आर कॉल्ड एज इकोसिस्टम। जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स में जो इंटर रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन होता है एनवायरमेंट में, उसी इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बहुत से टाइप्स है, उसमें लैंड इकोसिस्टम है, उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम के और भी कुछ सब टाइप्स है लैंड इकोसिस्टम के, सॉरी एक्वेटिक के भी सब टाइप्स है, लैंड इकोसिस्टम के भी सब टाइप्स है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के फिर वो दो टाइप्स होते हैं, मराइन वाटर इकोसिस्टम और सेकेंड वाला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो जो भी कुछ होगा वो इकोसिस्टम मतलब क्या है, दोनों में बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक वी ऑल्सो कॉल्ड इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग, एंड अबायोटिक वी ऑल्सो कॉल्ड इट नॉन लिविंग थिंग्स।
उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया है उसी चैप्टर में, दैट व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर्स। देखो कंज्यूमर्स इकोसिस्टम में देयर इज अ फूड चेन एंड फूड वेब। इकोसिस्टम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंड होता है। वी नो इन एन इकोसिस्टम प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम में जो प्लांट्स है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, फूड का सोर्स है। तो देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का फूड स्वयं वो क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। उसी प्लांट्स पे जो डिपेंड्स होते हैं वी कॉल देम हर्बिवोरस। हर्बिवोरस पे जो डिपेंड्स होते हैं वी कॉल देम कार्निवोरस। कार्निवोरस पे जो डिपेंड्स होते हैं वो अपेक्स कार्निवोरस होते हैं। एंड अपेक्स कार्निवोरस नो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन टेक, कैन डिपेंड्स ऑन द अपेक्स कार्निवोरस और हंट द अपेक्स कार्निवोरस। अपेक्स कार्निवोरस जो होता है, अपेक्स कंज्यूमर जो होता है, उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे हंट नहीं करता। देयरफॉर दे आर द टॉप मोस्ट कंज्यूमर। देयरफॉर वो उस फूड चेन में टॉप मोस्ट कंज्यूमर होता है। आफ्टर इट्स डेथ, जब वो डेथ होता है तो डेड बॉडी ऑफ दिस कंज्यूमर डीकंपोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डीकंपोजर्स। उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स कहते हैं। मीन इन दिस वे इन इकोसिस्टम ये जो फूड एंड फूड चेन जो होता है, फूड वेव एंड फूड चेन जो होता है, मींस प्रे एंड प्रेडिक्टर। फूड चेन जो होता है, फूड चेन में प्रे एंड प्रेडिक्टर, जिस पे डिपेंड्स होता है वो प्रे, एंड जो डिपेंड रहता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टर। और ये जो प्रे एंड प्रेडिक्टर ये जो चेन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इफ एनी वन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन विल बी कोलैप्स, जब इसी फूड चेन में कौन सा भी ऑर्गेनिज्म किसी भी लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कोलैप्स हुआ तो होल फूड चेन विल बी डिस्टर्ब। तो पूरा फूड चेन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। देयरफॉर इन एन इकोसिस्टम टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव, इकोसिस्टम जो हमें कंजर्व करना है तो फूड चेन, फूड वेव, उसके बाद प्रे प्रेडिक्टर, ये जो चेन्स होता है वो चेन में हमें बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ओके उसके बाद इकोसिस्टम में जो प्लांट्स है, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, पहले मैंने कहा प्लांट्स ऑब्टेन द सोलर एनर्जी फ्रॉम दिस सन। प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी। दे ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी बाय यूजिंग द क्लोरोफिल एंड प्रोसेस वी कॉल्ड इट दैट इज फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस के माध्यम से प्लांट कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो फोर फैक्टर्स है, दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल्स, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल जो है, तो पहला रॉ मटेरियल क्या है, फर्स्ट वन दैट इज वॉटर, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन दैट इज सनलाइट एंड लास्ट वन क्लोरोफिल। These are the four materials which are required for photosynthesis in plants. And by using these four materials, plant convert the solar energy into chemical energy. And this energy obtained by plant is also a solar. This is the sun. Okay. This energy obtained by green plants, a energy कौन obtain करते हैं?
ग्रीन प्लांट्स, ये जो ग्रास है, दिस ग्रास ऑब्टेन दिस एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये ग्रास पे कौन डिपेंड है? एनिमल से, उसको हम हर्बिवोरस कहते हैं, हर्बिवोरस। हर्बिवोरस पे डिपेंड है कार्निवोरस, कार्निवोरस पे टॉप अपेक्स, टॉप अपेक्स पे डिपेंड होते हैं डीकंपोजर्स एंड अगेन डीकंपोजर्स आर डिफरेंट टू द सॉइल। देखो, एनर्जी इज ऑब्टेन बाय प्लांट फ्रॉम द सन, दैट एनर्जी पासेस फ्रॉम प्लांट टू हर्बिवोरस, हर्बिवोरस टू कार्निवोरस, कार्निवोरस टू टॉप अपेक्स, टॉप अपेक्स टू डीकंपोजर, एंड दैट एनर्जी रिलीज इन टू द एटमोस्फेयर विच इट नेवर गोज अगेन टूअर्ड दिस सन। वो एनर्जी सन इट नॉट गोज अगेन टूअर्ड दिस सन, वो एटमोस्फेयर में रिलीज होता है, वो सन की तरफ नहीं जाता। देयरफॉर फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, देयरफॉर इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। एंड द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिक, दैट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक फ्लो होता है, दैट साइक्लिक फ्लो इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक फ्लो है। और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, सॉइल थ्रू हर्बिवोरस को आते हैं, हर्बिवोरस थ्रू न्यूट्रिएंट्स कार्निवोरस, कार्निवोरस थ्रू अपेक्स, अपेक्स टू डीकंपोजर, एंड आफ्टर डीकंपोजिंग द बॉडी दैट न्यूट्रिएंट्स अगेन मिक्स इनटू द सॉइल, सॉइल से फिर वो प्लांट्स को मिलते हैं। मींस वो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कैसा है? साइक्लिक है। बट एनर्जी का फ्लो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल, वन वे, वेरी सिंपल वर्ड। एनर्जी फ्लो इज वन वे इन द इकोसिस्टम एंड न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक। ओके, उसके बाद एक यहां से जो स्टार्ट होता है, देखो दीज आर द चेन ऑफ एनिमल्स। यहां पे चेन जो होता है वो एनिमल्स का चेन है, बट दीज आर द फर्स्ट कंज्यूमर्स, एंड फर्स्ट कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हर्बिवोरस बिकॉज दे डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स और ग्रास। जो हर्बिवोरस है वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। जो कार्निवोरस डिपेंड्स ऑन हर्बिवोरस, दे इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड नहीं होते, वो हर्बिवोरस पे डिपेंड होते, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद ये जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस पे कौन डिपेंड्स है? टॉप अपेक्स डिपेंड है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड टर्टियरी कंज्यूमर्स। ओके, एंड ये जो है ये डीकंपोजर्स है। इन दिस वे इट इज अ फूड चेन, ये फूड चेन होता है, फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं, उसके बाद डीकंपोजर्स होते हैं। नाउ ये जो इकोसिस्टम, देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। यू हैव गिवन द चार्ट इन योर टेक्स्ट बुक, तुम्हारी आपकी टेक्स्ट बुक में इकोसिस्टम के रिलेटेड एक चार्ट दिया है। दैट चार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए चार्ट इम्पोर्टेंट है। दैट चार्ट बिलोंग टू इकोसिस्टम, ये चार्ट इकोसिस्टम से रिलेटेड। इकोसिस्टम, जस्ट आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, देयर इज अ इंटरेक्शन, देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फैक्टर्स। मीन्स इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स आएंगे, पहला अबायोटिक फैक्टर्स और दूसरा बायोटिक फैक्टर्स। ओके, अबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। अभी अबायोटिक फैक्टर्स के और दो पार्ट्स आते हैं, पहला फिजिकल फैक्टर्स एंड सेकेंड वन केमिकल फैक्टर्स। अभी फिजिकल फैक्टर्स कौन सा आएगा? देखो, फिजिकल फैक्टर में एयर आएगा, वाटर आएगा, टेम्परेचर आएगा, उसके बाद सनलाइट आएगा, ये फिजिकल फैक्टर्स है। अगर जो केमिकल फैक्टर्स है, दैट केमिकल फैक्टर्स कंटेन्स, उसी केमिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे? वो मिनरल्स आएंगे, केमिकल फैक्टर्स में न्यूट्रिएंट्स आएंगे,
एटमॉस्फेयर फैक्टर्स लाइक एज वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस आएंगे. ओके, देन जो केमिकल फैक्टर्स है दैट केमिकल फैक्टर्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स दैट इज इनऑर्गेनिक एंड सेकेंड ऑर्गेनिक. अभी इनऑर्गेनिक में क्या होते हैं, देखो इनऑर्गेनिक जो नेचुरल नहीं होते वो इनऑर्गेनिक है. तो इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स में एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है वो ऑल एटमॉस्फेरिक गैसेस इंक्लूड्स इन इनऑर्गेनिक लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम से कुछ आयंस होते सॉइल में होते वो भी इनऑर्गेनिक में आएंगे. एंड ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स है और ऑर्गेनिक जो फैक्टर्स है दैट ऑर्गेनिक फैक्टर्स कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक एज प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल फैक्टर्स. उसके बाद बायोटिक जो फैक्टर्स है इकोसिस्टम का जो बायोटिक फैक्टर्स है दैट बायोटिक फैक्टर्स कंटेन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. व्हाट इज बायोटोट्रॉफ्स यू हैव नो वेरी डिटेल अबाउट ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स के बारे में आपको बहुत डिटेल्स में जानकारी है. ऑटोट्रॉफ्स दोज लिविंग थिंग कैन मेक देयर ओन फूड. जो लिविंग थिंग खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स. मोस्टली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. एंड व्हाट इज बाय हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स अनेबल टू मेक देयर ओन फूड कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड कैनॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जो फूड क्रिएट नहीं करते प्रोड्यूस नहीं करते दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स फूड क्रिएट करते देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. हेटेरोट्रॉफ्स दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड देयरफॉर हेटेरोट्रॉफ्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एनिमल्स एंड सेकेंड वन दैट इज डीकम्पोजर्स. एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स है खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते. एनिमल्स अगेन डिवाइडेड इनटू कंज्यूमर. एनिमल्स का फिर पार्ट आएगा कंज्यूमर. कंज्यूमर में फिर प्राइमरी कंज्यूमर और वी ऑल्सो कॉल दे हर्बिवोरस. सेकेंडरी कंज्यूमर वी ऑल्सो कॉल इट कार्निवोरस. एंड टर्टियरी कंज्यूमर वी ऑल्सो कॉल इट टॉप अपेक्स. एंड जो लास्ट का जो टॉपिक है कौन सा डीकम्पोजर एंड विच आर द डीकम्पोजर मोस्टली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन डीकम्पोजर्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स में इंक्लूड होते हैं. तो चलो स्टार्ट करेंगे हम वो चार्ट. तो चार्ट में पहला इकोसिस्टम. देखो इकोसिस्टम के दो टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है. इकोसिस्टम के दो टाइप्स कौन से बोलो. फर्स्ट वन दैट इज अबायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड वन दैट इज अबायोटिक एंड सेकेंड दैट इज बायोटिक. ओके, अबायोटिक फैक्टर्स और दो टाइप्स होते हैं फिजिकल एंड सेकेंड केमिकल. फिजिकल्स में क्या आएगा, वाटर आएगा. देखो फिजिकल फैक्टर में वाटर टेम्परेचर सॉइल सनलाइट दीज आर इंक्लूडेड इन फिजिकल फैक्टर. ये सब क्या पे आएंगे, फिजिकल फैक्टर्स में आएंगे. केमिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे, देखो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स उसके बाद सम एटमॉस्फेरिक गैसेस इंक्लूडेड इन केमिकल फैक्टर्स. अभी केमिकल फैक्टर्स के और दो टाइप्स होते हैं केमिकल फैक्टर्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स दैट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक.
ओके। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मींस हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरियस मिनरल्स लाइक एज कैल्शियम, आयरन, आयंस मींस फेरस। उसके बाद डिफरेंट गैसेस भी आ सकते हैं यहाँ पे, एटमोस्फेरिक गैसेस, नाइट्रोजन भी आ सकता है। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक एज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एक्सेट्रा, ये सब क्या कहाँ पे आएगा, दैट इज इन ऑर्गेनिक फैक्टर्स। उसके बाद जो बायोटिक है, बायोटिक हैज टू टाइप्स, बायोटिक के दो टाइप्स है, वेरी सिंपल है, बायोटिक के दो टाइप्स, दैट इज ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ्स ओके, ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, व्हाट इज द नेम, ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो खुद का फूड खुद क्रिएट करते हैं वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स, एंड हेटेरोट्रॉफ्स दे कैनॉट मेक देयर ओन फूड वी कॉल देम हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर ओनली प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड, देयरफॉर दे अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट एनिमल्स, एनिमल्स एंड सेकेंड दैट इज डीकंपोजर्स, सेकेंड डीकंपोजर्स। नाउ एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर, दे से प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स, एंड एग्जाम्पल ऑफ डीकंपोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमर के और टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड थर्ड दैट इज टर्टियरी कंज्यूमर, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के और ये तीन टाइप्स आएंगे। इन दिस वे वी हैव फिनिश द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इकोसिस्टम। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए दो और थ्री मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, जो आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकॉन, दैट्स यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।